सो है गाइस, तो आज हम लोग बताएंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि गाइस आजकल आप लोग जानते हो पेट्रोल का प्राइस कितना ज्यादा हाई कर दिया। तो हाई होने के बाद यार बहुत सारा लड़का एंड लड़की गाइस टेंशन के अंदर है। तो आज हम लोग बताएंगे तो ये जो टीवीएस ने गाइस न्यू एक स्कूटी लॉन्च किया इसका प्राइस क्या होगा, साथ में सारे कुछ फीचर सब कुछ बताएंगे ये वीडियो के अंदर। सो गाइस वीडियो के अंदर लाइक नहीं करो तो वीडियो के अंदर लाइक करो, चैनल के अंदर नया हो तो ऑब्वियसली चैनल को भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो कौन सा बाइक को लेकर चाहिए, कौन सा टॉपिक को लेके चाहिए, ओबीआर कमेंट करके बता देना। और आपका फेवरेट बाइक कौन सा है, आपका ड्रीम बाइक कौन सा है, ओबीआर कमेंट करके बता देना। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस बताएंगे आजकल गाइस इलेक्ट्रिक बाइक का यार डिमांड यार बहुत ज्यादा हाई कर दिया, क्योंकि जो लोग भाई डेली ऑफिस जाने के लिए एंड डेली गाइस सिटी मार्केट के अंदर रनिंग करने के लिए जो बाइक यूज करता है वो गाइस ज्यादातर गाइस यूज होता है इलेक्ट्रिक बाइक। तो इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर गाइस तुम लोगों को खर्चा भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। सबसे मेन जो बात है ये जो इलेक्ट्रिक बाइक का जो प्राइस एंड लुक है ना, मेरे को यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि प्राइस भी आप लोगों को बहुत ज्यादा कम देख सकते हो एंड लुक भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप लोग बताओ ये जो बाइक का लुक आप लोग ऐसा लग रहा है, ऑब्वियसली एक बार भाई कमेंट करके बता देना। इसके अंदर तुम लोगों को इंजन देखने को तो भाई बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर देख सकते हो मोटर देखने को मिलेगा। मोटर का पावर को लेकर बात करेंगे तो या फिर 12,000 वाट का यहाँ पे मोटर देखने को मिलेगा। और मेन जो बात है माइलेज एंड रेंज के बारे में बताएंगे, मतलब एक बार अगर फुल चार्ज कर दोगे तो भाई कितना ज्यादा जाएगा, कितना किलोमीटर तक जाएगा वो गाइस बात कर लेंगे। तो नॉर्मल मोड के अंदर जाओगे तो 120 किलोमीटर यहाँ पे आराम से जाएगा, स्पोर्ट मोड के अंदर चलाओगे तो यहाँ पे 80 किलोमीटर तक जा सकता है। तो बट स्पोर्ट मोड के अंदर क्या होता है, स्पोर्ट मोड का जो टॉप स्पीड है वो 100 प्लस जाएगा, नॉर्मल मोड का जो गाइस यहाँ पे टॉप स्पीड है वो 70 से 80 किलोमीटर यहाँ पे चल पाएगा। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम को लेके बात करके तो इसके अंदर तुम लोगों को बिल्कुल ABS देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों को ड्यूअल डिस्क का सेटअप देख सकते हो, सामने का टायर यहाँ पे डिस्क देख सकते हो, रियर भी यहाँ पे डिस्क देखने को मिलेगा। मतलब दोनों जो ब्रेकिंग कंट्रोल है गाइस अच्छा खासा ही है, नॉर्मल स्कूटी के अंदर जैसे डिस्क ब्रेक होता है सेम टू सेम इसके अंदर भी तुम लोग को नॉन ABS का डिस्क ब्रेक देख सकते हो। लाइटिंग सिस्टम को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे LED हेडलाइट लैम्प देख सकते हो, साइड इंडिकेटर तुम लोग को LED देखने को मिलेगा, पीछे का टेल लाइट भी LED, क्योंकि ये गाइस इलेक्ट्रिक बाइक है और इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर भाई LED है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फाइनली इसके अंदर कंपनी LED भी दे दिया। और मेन जो बात है बाइक का सस्पेंशन को लेकर बात करेंगे तो इस जगह पे मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सामने तुम लोग को टेलीस्कोपिक फॉक्स देख सकते हो, रियर यहाँ पे बहुत बड़ा एक मनोशकर देखने को मिलेगा। तो ये जो बात है ना मेरे को तो यार बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो आप लोग ऐसा लगा ऑब्वियसली एक बार भाई कमेंट करके बता देना, क्योंकि इसका जो मनोशकर का जो स्टाइल है ना ये तो गाइस मेरे को बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा, 5 स्टार के अंदर मैं 5 स्टार दूंगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ऑब्वियसली एक बार भाई कमेंट करके बता देना। और मेन जो बात है प्राइस को लेके बात करेंगे तो यहाँ पे 1.20 लाख एक्सट्रीम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस को लेके बात करेंगे तो 1.5 लाख के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर मिल सकता है। अगर मिल जाएगा तो कौन कौन बाय करना चाहोगे वो भी गाइस कमेंट करके बता देना। तो मेन जो बात इसका लॉन्च डेट को लेके बात करेंगे तो गाइस मेरे को तो नहीं लग रहा है बाइक इतना जल्दी लॉन्च कर दिया TVS ने, बट गाइस यहाँ पे TVS ने जो ऑफिशियली जो लॉन्च डेट यहाँ पे रिवील कर दिया आप लोग आपका सामने यहाँ पे देख लो, 23 अगस्त 2020 के अंदर लॉन्च करेगा। तो मेरे को तो लग रहा है भाई इतना जल्दी लॉन्च नहीं करने वाला है TVS ने, बट ऑफिशियली जो न्यूज आ रहा है मैं तुम लोग को वही न्यूज दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं तो गाइस TVS के ऑनर नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ। TVS ने ऑफिशियली जो यहाँ पे अपडेट देगा मैं तुम लोग को वही अपडेट दूंगा, ठीक है। तो गाइस देखते क्या होता है, अगर यहाँ पे लॉन्च कर देगा तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इंडिया के अंदर भाई तुम लोग को इलेक्ट्रिक बाइक आना चाहिए, क्योंकि भाई चाइना के अंदर, जापान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई बहुत दिन पहले ये सब आ चुका है, बट अभी तक इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक तो भाई स्कूटी है बट उतने में ज्यादा डिमांड नहीं है इलेक्ट्रिक बाइक का एंड स्कूटी का, ठीक है। अगर इतना अच्छा वाला बाइक सब कुछ यार लॉन्च कर देगा तो बिल्कुल यार कंपनी यार बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस चलो आज का वीडियो इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर।